छोटा सा बछड़ा लग रहा है ये। ये देखो मेरी तीनों देवियां बैठी हैं। अन्नू भी मिल रहा है सबसे। मॉर्निंग रिदी। महाराजा हैं। साथ है ना, नाखून मारती है ये। पीछे बैठी हैं तीन तीन बेटियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, नोबिता और मैं आ चुके हैं बाहर सैर करने और आज है संडे का दिन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा फील हो रहा है। आज कहीं नहीं जाना ऑफिस और कुछ जल्दी जल्दी नहीं करना है, आज हर चीज़ आराम से करेंगे और उतनी ही करेंगे। मेरे को पता है जितना हम घर से करके जाते हैं उतना ही पूरे दिन में होगा, मेरे को इतना भी पता है। सुबह सुबह मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सामान लेने, आज हमारा संडे है तो संडे हम इंजॉय करेंगे आलू के पराठे खा के। तो आलू खत्म है घर पे, थोड़ा सा और भी राशन सामान लाने वाला है तो मैं जा रही हूँ वो लेने, और गिरीश गए हुए हैं नोबिता को घुमाने। तो ऐसे दिन की शुरुआत हो रही है, बाकी देखते हैं क्या। ये देखो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई है लिटली बेबी की। गुड मॉर्निंग। प्रभु ये आपके बाल हैं यहाँ पे आसपास इतने सारे? हाँ जी। ये देखो इसके फिर हाथ उठ में आते हैं, मुंह में डाल देंगे। बहुत झड़ रहे हैं ना मेरे बाल। बेबी की वजह से? हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से। हैं? तूने अपनी मम्मी का हार्मोनल इंबैलेंस कर दिया है? बताओ। बताओ नहीं किया? नहीं किया कि किया? नहीं किया कह रही है, झूठ बोल रही है ना मम्मी। नमस्ते बोल रही है, नमस्ते गणपति नमः बोल रही है। आज संडे है, आज क्या करोगे? मस्ती। गणपति बापा मोरिया। रीदी बेबी क्यूटी पाय। मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, इधर पापा मोबाइल चला रहे हैं और इधर मम्मी मोबाइल चला रही है, फिर कहेंगे बच्चे को मोबाइल से दूर रखना है। देखो मालिश करवा के यहाँ पे लेटी हुई है और नोबिता हमारा वहाँ पे लेटा हुआ है। हाँ जी बेटा, रिधि को नहलाने की तैयारी शुरू हो गई है और ये देखो ये स्विमिंग पूल आ गया है रिधि का। इससे टेम्परेचर भी पता लग जाता है पानी का, क्या टेम्परेचर है करके। ये अच्छी चीज है। क्यों पता नहीं, पानी शायद चला गया उसके अंदर। ये देखिए, आपको पता लग ही गया होगा कि आलू के पराठे बनने वाले हैं। यहाँ पे बेबे ने मसाला तैयार कर लिया है और आज हम क्या खाएंगे बेबे? आलू के पराठे मलाई के साथ। मलाई के साथ? ये मैंने मलाई निकाल के रखी है। अच्छा प्रभु, मक्खन भी ले आते यार। क्या ये आपने देखा कि घर में बन रहे पराठे, तो बेबे कह रहे थे मलाई के साथ खा लेना, मगर मैंने बोल दिया कि मक्खन के साथ खा लेते हैं, तो प्रभ का मन कर गया मक्खन के साथ, तो कह रहे अब बोला है तो लेके आओ मक्खन। तो फिर अब मैं मक्खन और दही लेने के लिए आ गया हूँ, और पहले इससे पहले खुद वो आलू लेने गए थे, आलू लेके आए मगर ये चीजें भूल गए, दिमाग में नहीं था भी बन जाएंगे तो फिर उसके साथ खाना किसके साथ है। दही और मक्खन ले लिया आज, दही ना नई दुकान से लिया, एक्सपेरिमेंट ही किया है। जब हम नई जगह से चीज लेते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट ही होता है, या तो वो बिगेस्ट फ्लॉप होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना। तो देखते हैं गालियां पड़ेंगी या कहेंगे चलो ठीक है। देखिए दोस्तों मैं घर में आ गया हूँ और रिधु बेबी यहाँ पे नहाने लगी हुई, यहाँ पे परोठे बन के तैयार हैं। ये देखिए गर्मा गर्म परोठे बन रहे हैं, ओहो ढाबे वाले बिल्कुल। क्या बात है, क्या मसाला है, क्या बात है, खाओगे फिर पता लगेगा क्या मसाला और क्या है। वो तो देखने में पता लग रहा है अच्छे है। मसाला डालते ही नहीं है। फिर क्या डालते हो आप? अदरक मिर्ची। अदरक मिर्ची, धनिया मिला नहीं। हाँ अदरक मिर्ची नमक। चलो जी, दीदी बेबी नहान हो के तैयार हो गई है और इधर देखो अपने पापा को देख देख के खुश हो रही है कि पापा पराठे खा रहे हैं। हरकते रिकॉर्ड करिए, कहती मैं कर तो लूँ थोड़ी हरकते रिकॉर्ड, फिर बड़ी होके क्या देखूंगी। क्या क्या देखेगी बेचारी ये। जी कभी पापा खाना खाते है, कभी मम्मी बैठ के परोठे खाती है। आपको कोई नहीं देता? आपको दूध दे देते हैं ना पीने के लिए। छोटा सा बछड़ा लग रहा है ये। बछड़ू, ओ बछड़ू, ओ बछड़ू। ये कह रही है मेरी गायें खाना खा रही है।
मेरे को दूध नहीं पिला रही। और दीदी भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है अभी तक? तो वेटिंग में हो ना। कौन सा सीरियल देख रहे हो आजकल? मैं लवली रनर। लवली रनर। हाँ। अच्छा ये है लवली रनर। ये बात की है। हाँ जी बहुत स्वाद परांठे हैं। हाँ जी पर ये ठीक है। दही दही अभी खाया नहीं, खाऊंगी। मक्खन तो ठीक है। हाँ ये देखो बैठ गई गोदी में। मम्मी बहुत स्वाद। मम्मी बहुत स्वाद। बहुत स्वाद परांठे बने। थैंक यू। ये कितने नंबर का परोठा है? है प्रभ सच में आपने सोचा है पतला होने का? अब इसमें बेबी का कोई कसूर नहीं है ना? इसमें कसूर किसका है? आपकी जीभ का? मम्मी का। मम्मी का क्या कसूर है? मम्मी ने स्वाद बनाए। अच्छा अब फिर स्वाद बनाए तो धनेसड़ी दे दोगी? मेरे को नहीं लगे स्वाद, मैंने दो ही खाए ना। परिधि लेटी हुई है और बेबे अपने आप को ही टीवी में देख रही है सामने। वो देखो, वो देखो और देखो रिधि ने घड़ी पहनी हुई है, चमकने वाली घड़ी पहनी हुई है, देखना भी। अरे अरे लाइट जल रही है। शालू बुआ ने दी थी ये। किसने दी थी? शालू बुआ ने। ये देखो बेबे चाय पी रही है, बेबे को देख रही है, वाह वाह कर रही है। हैं चाहिए चाय भी नहीं है? देखो लाइट जल रही है। देखो लाइट जल रही है बेबे। टाइम तो बननी में और हाँ थोड़ा ध्यान उधर रहेगा। अरे ओ तो खोलना पुत्र, नुक्कड़ तो गोल गोल घुमाओ कुर्सी, इधर नु खींच लो ना। मोरिया रे बापा मोरिया रे, वाह मोरिया रे बापा मोरिया रे, बुमन पाक पाक बुमन पाक पाक बुमन पाक 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 लाओ। वो गल्ला करदा परले पार दियां। क्या कितने लगाने यहाँ पे? एक और रह गया इधर पे। संडे का दिन है तो घर के काम चल रहे हैं। इनको पहले प्रेस किया गया, धोए गए हैं, फिर प्रेस किया गया और फिर अब ये लगाए जा रहे हैं। ये देखो पटियाला में भी ऐसे ही किया था, उनको प्रेस करके ही लगाया गया सभी को। अब उनको भी धोने का टाइम आ गया ना। इसी मंथ मेरे को लगता है दिवाली से पहले पहले कर देना चाहिए उनको। ऐसे धोने हैं। क्रैम पड़े हुए हैं। हाँ। अरे वाह। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। आंटी बाहर देखो पोछा कर रहे हैं और ये हमारा नन्नू लगा हुआ है इसके साथ खेलने। रिधि सो रही है और यहाँ पे भी पर्दे लग चुके हैं और बाहर देखिए पर्दे किए जा रहे हैं प्रेस। ओहो उधर दीदी लगे हुए हैं बर्तनों को साफ करने। हेलो नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। क्या कर रहे हो? सोए हैं। अच्छा क्या खाना खाया? बैंगन की सब्जी जैसे बनाती ना, आलू पाके पत्ता दे। चावल के साथ? चावल के साथ रोटी चावल सलाद। चलो बढ़िया। पापा ने ड्यूटी पे कब जाना है? पूरी। अच्छा परसों जाएंगे। तो थोड़ा बहुत सामान ले जाएं, बाकी मैं जब आऊंगा उस समय ले जाएंगे। हाँ हाँ अभी तो देखना ही है, अभी तो एक आधी दिन करके ना अपना एक से वो किसी के पीछे हो जाएगा अपना, बच्चे उठी ले जाएंगे। हाँ। एक आधे चतर चतुर है जल्दी रखूंगी अभी। फिर वहाँ देख दूख के फिर पता लगे क्या करना है क्या नहीं। okay. बताऊंगी फिर को। ओके और रेस्ट होगी? हाँ रेस्ट है, अभी घर में थोड़ी सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं, पर्दे पुर्दे लगा रहे हैं। प्रभ ने नहा लिया है और साफी साफी हो रही है हमारी रिधि की। मैंने भी नहा लिया है, बाल भी धो लिए हैं। अब बाल धोना कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है, अब मैं दूसरे दिन बाल धो सकता हूँ, तो बड़ा रिलैक्स होकर बाल धो ले रहा हूँ, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चिज्जी खानी है? मैं चिज्जी लेने जा रहा हूँ बाहर। है सही है। प्रभ मैडम की ना स्टूडेंट्स आ रही हैं तो उनके लिए चिज्जी लेने जा रहा हूँ। आपने लेनी है कोई चीजी? बताओ कि हाथ ही खाना है, एक नकली हाथ ले आऊं? हैं? आज की जो गर्मी पड़ रही है ना उसको देख के लग ही नहीं रहा कि गर्मी कम होगी कभी। बहुत ज्यादा धूप है आज तो।
ये देखिए ये आ गई है स्टूडेंट्स, मगर हमारा शीशा ज्यादा ही गंदा है कुछ। ये देखो हाँ लड़के आते तो अंदर अभी बेड पे पहुंच जाते। और ये कैसे हो? और नोबिता से कौन डर रहा है? ये डर रही है इसलिए नोबिता को अंदर कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो बिल्कुल टॉय है बेबी जैसे। लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। सो नॉर्मल लाइट। हाँ ऐसा नहीं है, पंखा चलेगा, डरो मत। यहाँ पे मेहमान नवाजी शुरू हो गई है और ये भी सामान सुमून भी आ गया थोड़ा बहुत। प्रभ आप जाओ, आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, नहीं आप बैठो। अरे नहीं आप, हाँ मैं ले जाऊंगा, मैं ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं आप बैठो। तो मैडम की स्टूडेंट्स है ना, तो काम अभी मुझे करना चाहिए। और बेबी और दीदी तैयार हो गए हैं। अब क्या लेके जाना है? अब क्या लेके जाना है? समोसा। ये देखो रिद्धि के कपड़े भी बदल दिए और ये सो भी गई है अभी। और नोबिता यहाँ बिठा दिया है क्योंकि एक लड़की डर रही है। ये देखो मेरी तीनों देवियाँ बैठी हैं, खा पी रही हैं। और इधर देखो ये भी खुद भी लग गए खाने साथ में। बर्फ भी डाल देते ना थोड़ा, मजा आ जाता। डालू लेके आऊं? भी आ गए हैं और बेबे भी आ गए हैं। ये ये डांस में देखिए ना, ये डांस वीडियोस में ज्यादा आते हैं। जो वीडियो डाली ना उसमें ये दोनों हैं। अच्छा वैसे इसने रियलिटी शो भी किया हुआ है एक, है ना? है ना डांस का, ना कौन सा साउथ का ही किया ना, केरला का, हाँ तमिलनाडु का। नाम क्या था उसका? ओडी एले वेले पापा, ओडी एले वेले पापा पापा। हिंदी में क्या हुआ? हो गया तो हिंदी में क्या हो गया उसका मतलब? बूगी बूगी का क्या मतलब है? उसी तरह ओडी वेले पापा पापा। ओ हाँ हाँ समझ गया। चलो जी चलो। खाओ कुछ कुछ तो खाओ, कुछ तो खाओ। मैंने भी ले लिए हैं मोमोस, मेरा भी दिल करने लग गया देख के। नाम तो बताया नहीं मैंने सबका, बताओ नाम। मालविका, अनन्या, निब्बी, निवेदिता। सब निब्बी बोलते हैं ना? नहीं हाँ निब्बी, निब्बी। अच्छा तुमने रखा है निवेदिता? हाँ निवेदिता, मालविया, अनन्या, मालविका, निवेदिता, अनन्या। अभी रिधि भी आएगी, ठीक है? अभी अंदर सो रही है, वो आती है। वो एक नैप ले रही है छोटी सी। और वो देखो वो आ गई हैं, जो हुक्म मेरा आका वाली। अन्नू भी मिल रहा है सबसे, हेलो मिला रहा है सबसे। नन्नू ये कौन है? दीदियां। दीदियां? हाँ। बोलो दीदियां। दीदी स्टूडेंट मेरी। हाँ। दीदी। तो दोस्तों मोमोज खा के ये हाल हो गया मेरा। बेबे नु नहीं लग रही मिर्च, ठीक है कम? मम्मी तो समोसा भी मोमोज की चटनी के साथ खा रहे हैं। हैं? खा के देखते हैं आपको अच्छा। नहीं टेस्टी लगता है चटनी इसके साथ ना, समोसे की चटनी था। रिधि का किसी को मिलने का मन नहीं है, ये यहाँ पे सो रही है देखो। नोबिता तीसरी बंदी कहाँ? तीसरी कहाँ है? तीसरी नहीं, अंदर है, अंदर है। ये देखो बाकी ये दोनों प्यार कर रहे हैं। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो गोरी गोरी तीसरी वो देखो। निब्बी मेरे क्रैम्प पड़ गया मुझे की। कुछ नहीं कहता आजा, मैं हूँ आगे आजा आजा बैठ जाओ जाओ बैठो। अरे इट्स ओके नहीं क्योंकि आने के इतने आने पे इसी है। बैठ जाओ बैठ जाओ।
नोबिता नहीं बुला रहा, बैठने को बोल रहा हूँ तुम्हें। वो दोनों मस्त प्यार करने लगी हुई हैं देखो, और तीसरी ये देखो। अच्छा कितने सारे? अच्छा तुम्हारे पास तो खतरनाक वाले थे, हमारे पास क्यूट वाला है, गोल्डन रिट्रीव, वेरी नाइस। नहीं पता क्या, हम समझते नहीं है मगर सच में साइकोलॉजी होती है, जो डरते हैं वो सच में डरते हैं, हमें नहीं ये कहना चाहिए कि वो क्यों डरते हैं, है ना भी? नहीं कोई बचपन में इंसिडेंट हुआ था, बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ था? वो आ गई क्यूट बेबी, क्यूट बेबी आ गई है सोती सोती। रिद्धि को देखने के लिए भी डर रही है। देना इसने अकेले ने इतना डर खौफ फैलाया हुआ है यहाँ पे। नोबिता थोड़ा सा उठा है, वो पीछे चलेगी पता नहीं क्या, मंदिर में घुसो की जाके। हम बैठे हैं यहाँ पे, वो कुछ नहीं करेगा, मैं रोक लूंगा, ये प्रॉमिस है हमारा। मॉर्निंग रिद्धि, अरे हमारी रिद्धि उठ गई है। एक दिन में कितने कितने कपड़े बदलती है रिद्धि, हैं? सुबह अलग, फिर अलग, दोपहर में अलग, नाइट सूट अलग, हैं? राजा हो आप क्या? हम महाराजा हैं, राजा नहीं, हम प्रिंसेस हैं, हम प्री। ₹20 का एक हेलो। नोबिता भी पूरी हरकतें कर रहा है, वो डर रही है तो डरा रहा है और। अरे नोबिता यहाँ कहाँ गया? अरे उधर से आ रहा है। इसको भी गुस्सा आता है ना, नाखून मारती है ये, इससे नहीं डर लग रहा? नहीं इसका कोई बात नहीं, इसका कोई बात नहीं, इंगोंड इधर नाम लौंडे दिखिनंदा। हाय अनन्या किसकी जैसी है? मैं लुक्स इसकी तो आपके ही लग रहे हैं, मेरी जैसी लग रही है। टोई 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 टोई, बताओ किसकी जैसी लगती है ये तीनों देख के? मैम जैसी। मैम जैसी क्या लगता है मैम जैसा उसमें? आंखें। आंखें? नहीं नहीं नहीं, कहां से आंखें दिख रही हैं? वैसे ही बोली जा रही है तुम्हें इंप्रेस करने के चक्कर में। मेरे स्टूडेंट है ना, मेरा नाम ले लेते हैं, आपके स्टूडेंट आपका नाम। हां ठीक है, दादा की तरह लगती है, अपने दादा की तरह। ये लीची आ गया। रिद्धि क्या हो गया, तंग कर रहे हैं ये तीनों मिलके? ये देखो रिद्धि के लिए गिफ्ट्स भी आए हैं। देखो देखो क्या आया है, देख रही है? वाह सर्दियों के पहले कपड़े। दूसरे पहले ग्रीष्म लेके आए, हाँ सबसे पहले तो मैंने ले लिए थे सर्दियों के कपड़े। अली बाबा तब तक इतनी बड़ी हो जाएगी ना। ये देखो ऋतु के कपड़े आ गए सर्दियों के, वेरी नाइस। नोबिता इधर बैठी है, तुम्हारी फेवरेट, इधर आओ थोड़ा सा आगे को आओ। तो पता नहीं नोबिता पूरा खुश है, देखो कर्तव्य करने बड़ा
कर्तव्य भी कर रहा है पूरा खतरनाक वाला। वो देखो दोनों का प्यार मिल रहा है और यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट। टी टाइम और मेरा बिस्किट टाइम। किसकी चाय में डुबाऊं? एक आपकी है उसमें डुबो दूं? ये तीनों छोड़ ही नहीं रही है उसको, लेके जा रही है इसके लिए ही आई है। बाय बाय बोल रही है बेटा आपको। नोबिता नीचे से हटो यहाँ से। नोबिता मुझे पता है वो ये देख मेरे हाथ यहाँ है। मेरी बेटी को तो ना देखो सेलिब्रिटी भी। प्रभ और मैं जा रहे हैं इन बेटियों को छोड़ने। पीछे बैठी हैं तीन तीन बेटियाँ, ये देखिए। अब मेरे मुंह से बेटियाँ ही निकलता है क्योंकि आप सभी बेटियाँ हो अब। मुझे तो पहले ही अब मैं अंकल हूँ। ये अच्छा तुम्हें हमारा नया घर दिखाते हैं। हाँ यहीं से बताया था मैंने इनको। अच्छा बताया था। अच्छा कहाँ से पिक किया आपने? इससे आगे से। अच्छा ठीक है। बाय 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 सी यू टुमारो। ये यूनिवर्सिटी आ गई है ना। हाँ। दोस्तों हम देखिए पहुंच गए हैं यहाँ पे। गणेश जी की स्थापना कर रखी है और रखी ने यहाँ पे डांस करेगा आज है। ये देखो ये लोग सभी तैयार होके आए हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए यहाँ पे गणेश जी की स्थापना की है और ये सारा जो ऑर्गेनाइज किया है स्टूडेंट्स ने किया है। ये सभी साउथ के स्टूडेंट है तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। ये देखिए तो रात के 8:30 हम घर पहुंच गए हैं बच्चों को छोड़ के और प्रभ के क्रैम्प्स पड़े हुए हैं कल डांस करके। हमारी रिधु ने फिर कपड़े चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे लेटी हुई है आंखें मार रही है नींद में। ठीक है दोस्तों ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद।